दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भी टाटा ग्रुप की ओर से टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO आया था, जो कि 20 साल बाद आया है मार्केट में। वो आज लिस्ट होने वाला है नवंबर 30 को, और IPO को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है इन्वेस्टर्स की ओर से। तो ये कुछ पॉइंट्स की मदद से जानते हैं कि कैसी लिस्टिंग हो सकती है आज, और क्या क्या बेनिफिट्स आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आप सभी जानते हैं कि ओपन हुआ था 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में, और IPO 69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है IPO को। वही प्राइस बैंड 475 से 500 रुपए के बीच में था, और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो वो अभी 425 रुपए में चल रही है, और टाटा टेक्नोलॉजीज ने मार्केट से 3042 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। और एक सबसे मेजर पॉइंट है, कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा तो होना ही है। तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हमें रेवेन्यूज में साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। रेवेन्यूज रहा है 31 मार्च 2023 में 4501 करोड़, पिछले ईयर के कंपैरिजन में 25% की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं हम प्रॉफिट देखेंगे, 42% की बढ़त देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। देख सकते हैं फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और यही कारण है कि कंपनी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। कंपनी का स्टॉक हमें अभी लिस्ट होता हुआ दिख रहा है 1200 रुपीज पर इक्विटी शेयर, 140% प्रीमियम पर, इशू प्राइस था 500 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है सिर्फ लिस्टिंग पर ही। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिला था उन सभी को बहुत बहुत बधाई इतने शानदार रिटर्न के लिए। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 1302 रुपए पर, 160% का रिटर्न दिया है लिस्टिंग पर ही, और कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो आगे चलकर और भी ज्यादा हमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।